हाँ, इसमें ये भी शो करना है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यूब, बिल्कुल सही है। यहाँ से यहाँ तक वन है, यहाँ से यहाँ तक टू है, तो ये वन ही तो होगा, पर हम शो कर देंगे मिड पॉइंट है, ठीक है। अब डायग्राम में मैंने वो डिस्टेंस सही से नहीं लिया है, अगर ये रेशियो वन है और यहाँ से यहाँ तक का टू है तो इसका मतलब मिड पॉइंट ही तो हुआ। अब डायग्राम मैंने कैसे बनाया, यहाँ ऐसे है, ये पी है, ये क्यू है, तो ये यहाँ तक वन है और ये पूरा टू है, तो ऑब्वियसली ये भी तो वन ही होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट शो करने के लिए अब आर क्यू का मिड पॉइंट फॉर्मा लगा दो, ठीक है ना। तो आर क्यू में मिड पॉइंट फॉर्मा लगा दो जो किसके बराबर आना चाहिए, पी क्यू। तो मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू यानी कि दोनों आर का पोजिशन वेक्टर, क्यू का पोजिशन वेक्टर डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पर देखो पोजिशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, आर क्यू के मिड पॉइंट का पोजिशन वेक्टर। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ आर ये निकाला, ये पोजिशन वेक्टर ऑफ आर है ना, तो थ्री ए प्लस फाइव बी प्लस पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू ए माइनस थ्री बी अपॉन टू, मिड पॉइंट में टू आता है, तो थ्री ए प्लस फोर ए प्लस टू बी डिवाइडेड बाई टू, टू से कैंसिल करेंगे तो टू ए प्लस बी। हमें दिखाना था पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, तो हमने जो आर क्यू मिड पॉइंट निकाला, दिस इज नथिंग बट द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। पोजिशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, इट मीन्स पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू।